नाहरगढ़ रोड में एंटर कर चुका हूँ और ये कुछ इस तरह है दोनों साइड का नज़ारा। और एकदम पहाड़ पे चढ़ना होता है इस पर। तो राइडिंग गेट्स जो हैं सारे मैंने होटल में ही रखे हैं, तो कैरी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आओ और हल्का सा बैग लेके आओ ताकि आने जाने में और जो भी ट्रैक करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस करके। ऑटो भी चल रहे हैं यार इतनी हाइट में, इतने पहाड़ में ऑटो भी चल रहे हैं। हल्द्वानी में अगर देखा जाए तो HMT तक चलते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, जल महल वो सामने दिख रहा है, जल महल पूरा झील दिख रही है। गौरव कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से लोकल? हाँ जी। अच्छा, यहाँ आते रहते हो? हाँ। अच्छा, इंस्टा पे देखना, इंस्टा पे जो यहाँ से सिटी का व्यू दिखता है ना, वो क्या शानदार व्यू है। तो 10 रुपये की पर्ची कटती है इसके अंदर एंट्री करने का, तो पर्ची मैंने कटवा ली और शायद ही मांगेगा, तो इसलिए इसको यहीं पर रख लेता हूँ हाथ में। ऐतिहासिक स्थल है और मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, कोई भी ऐतिहासिक स्थल हो उसको देखने का बहुत ज़्यादा है। नाहरगढ़ तो क्या शानदार जगह में रहा करते थे राजा महाराजा। सेफ्टी वाइज और व्यू और जो प्रकृति का मज़ा है ना, वो यहाँ पूरा देखने को मिलेगा। अलगादी पार्क और इसके बाद अपन निकलते हैं आगे को अंदर की तरफ। यहाँ पर है पार्किंग और यहाँ से ये सूरह पूरा शुरू हो गया है दीवार। इसको रखते हैं जेब में और निकलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ जो मेन गेट है उसके अंदर जाके आपको लेना होता है टिकट, और टिकट का जो नॉर्मल प्राइस है वो है 50 रुपीज़। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही कुछ आगे बढ़ते हैं तो आपको बाएं हाथ में मिलेगा शीश महल, जिसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। महल में 2 कॉरिडोर बने हुए थे, जिसमें एक रानियों के आने जाने के लिए रास्ता था और दूसरा जो कि सिर्फ राजा के जाने आने के लिए रास्ता हुआ करता था। तो एंटर हो गया मैं महल के अंदर और आपको दिखा रहा हूँ महल के अंदर जो डिजाइनिंग है वो, और इस तरह से कुछ महल बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत महल बने हुए हैं। मदद से
जैसे मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ तो मुझे मिल जाता है दूसरा फ्लोर, और यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत दरवाजे की नक्काशी की हुई है, और ये कुछ इस तरह से दूसरा जो महल है वो बना हुआ है, और इनके अंदर के कमरों का डिज़ाइन जो तकरीबन सेम है, और दरवाजे जो है पूरे लकड़ी से बने हुए हैं, और आज भी यह दरवाजे वैसे के तैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, बिल्कुल खाली है। अभी इससे ऊपर भी एक और फ्लोर है, तो मैं कोशिश करूँगा ऊपर जाने की, और तो देखते हैं कहाँ से निकलेंगे ऊपर। एंट्री यहाँ से होती है, और यहाँ से दिखता है नज़ारा कुछ किस तरह। जयपुर शहर ये, और ये चारों तरफ इसके किला बना हुआ है। तो मैं हूँ अभी चौथे फ्लोर में इस महल के, और यहाँ से जयपुर सिटी पूरा, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। तो नाहरगढ़ फोर्ट घूम लिए हैं, और देख लिया वहाँ से जयपुर सिटी का व्यू, और अभी मैं निकल रहा हूँ वापस राजगढ़ की तरफ। तो पहले गए आमेर, और अभी मैं था नाहरगढ़ में, और अब जा रहा हूँ राजगढ़ की तरफ। तो ये तीन फोर्ट हैं यहाँ पे जयपुर में, और काफ़ी अच्छी लोकेशन में है। यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू दिख रहा था, आमेर से ज़्यादा बेहतर ये था, लेकिन अगर फोर्ट की बात करें तो बड़ा महल था। आई होप कि सब कुछ रख लिया होगा, और ये जंगल के रास्ते से फिर से मैं निकल रहा हूँ वापस। चलो एटलीस्ट तीन जगह मैंने कवर कर लिए, वैसे चौथा जगह हो जाता, लेकिन सुबह का मेरा एक स्थान जो था वो थोड़ा सा ऐसे ही रह गया। वो खैर कोई नहीं, अगर मौका मिला तो कल सुबह ज़रूर वहाँ जाएंगे एक चक्कर। तो सामने किले की जो चिमनी ये लोग बोल रहे हैं, तो वो सामने दिख रही है, क्योंकि किला बहुत बड़ा है, और ये किला जो है तीनों फोर्ट को कवर करता है बोलते हैं। राजगढ़, नाहरगढ़ और आमेर तीनों को कवर करता है, तो ये 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर में फैला हुआ है बोला, तो आई थिंक बहुत बड़ा है। पता नहीं कितना लंबा है आइडियली, पर लंबा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गैस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना लंबा है। तो एक जगह से जयपुर का व्यू दिखता था वैसे, लेकिन अब जहाँ मैं गया था वहाँ से तो पूरा जयपुर दिख रहा था, तो ज़रूरत नहीं है रास्ते में कहीं पर रुकने की, लेकिन फ़ोटोग्राफ के लिए क्या पता रुक जाऊँगा, और नहीं तो मैं चलता रहूँगा सीधे आगे की तरफ। टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह है तो अल्टीमेट है, अच्छी जगह है। अब इतना टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए कि चलो भाई
आराम से पूरा दिन यहाँ पर रुको, तब तो और ज़्यादा मज़ा है। ये है मंदिर, चरण मंदिर, जय हो। तो ये है नाहरगढ़ के लिए रास्ता, और अगर आपको जयपुर जाना है तो ये रास्ता निकल जाएगा सिटी की तरफ को, और ये जो तीसरा रास्ता जा रहा है ये जाएगा जयगढ़ किला की ओर। तो मैं अभी निकल रहा हूँ जयगढ़ किला की ओर। नाहरगढ़ फोर्ट का ब्लॉग पूरा हो गया, और जयगढ़ फोर्ट के लिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर।